हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स मतलब है कि हमें ए क्यू प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है और हमें ए प्लस बी की वैल्यू 4 दी हुई है और ए बी की वैल्यू 3 दी हुई है। तो मैंने इधर सॉल्यूशन की हेडिंग डाली है और इधर ए प्लस बी की वैल्यू जो हमें 4 दी हुई थी मैंने उसको यहाँ पे एजेट नीचे उतार दिया। इधर ए बी की वैल्यू हमें 3 दी हुई थी मैंने उसको भी यहाँ पे एजेट नीचे उतार दिया। और इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें नहीं दी हुई थी मालूम करनी है तो मैंने इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इधर उतार के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने इधर फॉर्मूले की हेडिंग डाली है, स्टूडेंट्स हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है और उसको मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करने के लिए और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला है। अब मैं वैल्यू पुट अप करूँगी, इधर इधर ए प्लस बी की वैल्यू इधर हमें 4 दी हुई है तो इधर मैंने ए प्लस बी की जगह 4 लिख दिया, इसमें होल क्यूब था होल क्यूब लगा दिया इक्वल इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मैंने वैल्यू मालूम करनी थी मैंने उसको एज इट इज नीचे उतार दिया। अब इन इन दोनों टर्म्स में सबसे पहले प्लस को प्लस 3 को मैंने यहाँ पर एज इट इज नीचे उतार दिया। ए बी की वैल्यू इधर हमें ए बी की वैल्यू इधर हमें 3 दी थी मैंने इधर ए बी की जगह 3 लिख दिया, इसे ब्रैकेट ने बंद कर दिया। ए प्लस बी की वैल्यू इधर हमें 4 दी हुई थी तो इधर मैंने ए प्लस बी की जगह 4 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो मैंने तो मेरे पास 64 आ गया इक्वल इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यूब के मैंने वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने उसको एजेट से यहाँ पर नीचे उतार दिया। अब स्टूडेंट्स ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तीनों टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सबसे पहले साइनें मल्टीप्लाई होती हैं प्लस 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 36 आ गया। अब स्टूडेंट्स 64 को मैंने यहाँ पर नीचे उतारा और जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है बिल्कुल अकेला होता है। अभी हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है मगर ये अकेला क्योंकि इसके साथ प्लस का 36 थे तो मैंने प्लस का 36 को इक्वल के उधर कर दिया, माइनस का 36 हो गया इक्वल इक्वल और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जिसके हमें वैल्यू मालूम करनी है मैंने उसको यहाँ पर अकेला कर दिया है। अब स्टूडेंट्स 64 में से जब मैंने 36 माइनस किया तो मेरे पास 28 आ गया इक्वल इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमने वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने उसको यहाँ पर जिस नीचे उतार दिया। आप जिस स्टूडेंट जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है बिल्कुल वो ना लेफ्ट साइड पे होता है लेकिन अभी हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है मगर ये राइट साइड पे तो मैंने उसको इधर लेफ्ट साइड पे कर दिया 28 जो कि लेफ्ट साइड पे था मैंने उसको राइट साइड पे कर दिया हमें तो ये हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 28 मालूम कर ली है। स्टूडेंट्स हमें कहा था कि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है और हमने इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम कर ली है जो कि 28 आई है और यही हमारा आंसर है, हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 28 मालूम कर ली है। स्टूडेंट्स यही मेरी आज की वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।